नेशनल कमांडो फोर्स की बड़ी बैठक आयोजित की गई। इसमें चल रहा है और मध्य प्रदेश में अभी एक साल लगभग 5 साल से तो सक्रिय है, लेकिन 1 साल से भी ज्यादा सक्रिय हो गया है। इसमें महिला मोर्चा की टीम, अभी गौरक्षा कमांडो फोर्स में महिला मोर्चा की टीम नहीं है देश में, हमने महिला मोर्चा की टीम उतारी है। महिला मोर्चा की टीम धीरे धीरे काम कर रही है और साथ में ऐसी 2-3 जिलों में महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी प्रदेश में देखा जा रहा है, इंदौर में तो खैर शहरी क्षेत्र में गाय नहीं पाली जा रही है, फिर भी गायों की स्थिति खराब देखी जा रही है, जहाँ भी गाय टकराती है इधर उधर वाहनों से टकराती है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसके लिए अभी हमने टीम जो तैयार की है, इसमें साथ में भी डॉक्टर कुछ ऐसे हैं कि हमारे सागर के जो डॉक्टर हैं JD करके हैं, JD हेड हैं यहाँ के पशु विभाग के, वो सागर आए हुए हैं, यहाँ इंदौर आ गए हैं, उनसे मदद मांगेंगे। और इंदौर के आसपास जहाँ भी दूर कहीं गाय बीमार होंगी, लाचार होंगी, तो उनकी मदद हम लोग गोरक्षा कमांडो फोर्स करेंगे। सरकार तो दोनों सरकारें कोई काम की नहीं है, चाहे BJP की ले लो चाहे कांग्रेस की ले लो, सब वादे करते हैं। अभी गौशाला बनाने का 1 साल हो गया है, अभी कहीं गौशाला नहीं बनी है। इसमें स्थिति बहुत निर्दयी हो रही है गौ माता की, आप रास्ते में देखते हो कितनी गौ माता बेसहारा पड़ी रहती है, एक्सीडेंट हो जाए उनको देखने के लिए नहीं है। यही जगाने के लिए आए हैं कि घर घर गाय पालने का हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप गाय पालो, गाय की महिमा जानोगे, जब तक महिमा नहीं जानोगे, जब तक कार्य नहीं करोगे, जब तक गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो। गौ तस्करी बड़ी संख्या में होती है प्रदेश में, उसको लेकर क्या? प्रदेश में गौ तस्करी बहुत जोरों पे हो रही है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का हमारे राहतगढ़ में है, सागर के पास 40 किलोमीटर, जिस बस्ती का नाम ढाका है, जो पाकिस्तान में ढाका है, उस बस्ती का नाम ढाका है। वहाँ से करीब लगभग रोज एक दो ट्रक गौवंश लोड होते हैं और वहाँ हिंदुओं की संख्या कम हो के मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर कसाई हैं जो कि बड़ी मात्रा में वहाँ पर गौ तस्करी हो रही है। और प्रदेश के ऐसे कोई से जिले नहीं है जहाँ से गौ तस्करी हो नहीं रही है। इस मामले में अगर मैं चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कभी कोई मदद नहीं करते, क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं हमारे यहाँ के जो टीम के ये काम कर रहे हैं सब, कुछ हमारे गौभक्त संगठन के गौभक्त हैं जो टोल नाकों पे स्वयं काम कर रहे हैं, और ऐसे हैं कुछ के टोल नाकों पे बैठे रहते हैं सेवा के लिए कि यार कहीं गाय तो नहीं निकल रही है, लेकिन ये सरकार कोई काम नहीं कर रही, चाहे BJP की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने गौवंश का काम नहीं किया है। लेकिन अभी कमलनाथ जी ने जो घोषणा की है, हम चाह रहे हैं उनसे भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, हमने अपने पत्र उनको दिया है मुलाकात के लिए कि अगर आप गौशाला जल्दी बना रहे हो तो अच्छी बात है, या अगर आपको हमारे गौरक्षा कमांडो फोर्स की मदद चाहिए है अगर गौशाला बनाने के लिए या गौ सेवा के लिए, तो हमारे 20-22 जो जिलाध्यक्ष हैं उनको हम साथ में लेके काम करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। मैं सूरज सोनी हूँ, गौरक्षा कमांडो फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बैठक के दौरान गौरक्षा कमांडो फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष सूरज सोनी ने फोर्स के उद्देश्यों की जानकारी सदस्यों को दी। मीडिया से बातचीत के दौरान गौरक्षा कमांडो फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि गौरक्षा कमांडो फोर्स गौ माता की रक्षा के लिए बनाया गया है और वो स्वयं बीते 15 सालों से गौ माता की रक्षा में आना जीवन अर्पित कर रहे हैं, और इन 15 सालों में वो कसाईयों से 1 लाख गायों की जान भी बचा चुके हैं। सूरज सोनी ने बताया कि गायों को वास्तव में राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसी के तहत प्रदेश के सागर जिले विशेषकर गायों के इलाज के लिए गौरक्षा हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां गायों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। उन्होंने कहा बकायदा गायों का इलाज के लिए सरकारी व निजी चिकित्सकों की सेवाएं ली जा रही है, जिसमें गौ एम्बुलेंस भी शामिल है। गौरक्षा कमांडो फोर्स के सूरज सोनी ने बताया कि इसके अलावा फोर्स गायों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी करती है और बीते 1 साल में 350 गायों का अंतिम संस्कार भी किया गया। सोनी की माने तो इंदौर में जल्द ही शासन की सहायता से गौ अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा और गौशाला इस संस्था के माध्यम से शुरू की जाएंगी। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में गौरक्षा कमांडो फोर्स के सदस्य मौजूद थे।